ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। जय शाह आज 34 साल के हो गए और उम्र के इस पड़ाव के लिहाज से देखें तो उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। मतलब इतना कुछ कि इस देश के दशमलव कुछ % लोग इस अचीवमेंट के आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जय शाह हमारे बड़े से देश की छोटी सी जनसंख्या वाले अचीवर्स का हिस्सा है। इधर उधर देखेंगे तो जय शाह के साथ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर और बिजनेसमैन लिखा जाता है। जय शाह की कई कंपनियाँ हैं। जय शाह साल 2009 से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी इस काम में उन्हें कुल 13 साल हो चुके हैं। शाह ने इस सफ़र की शुरुआत अहमदाबाद स्थित सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के रूप में की थी। ये संस्था अहमदाबाद ज़िले की क्रिकेट का कामकाज देखती है। इसके बाद 2013 में जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी GCA के जॉइंट सेक्रेटरी बने। जब जय शाह ने GCA में अपनी पोस्ट संभाली उस वक्त उनके पिता और देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह GCA के प्रेसिडेंट थे। पिता पुत्र की इसी जोड़ी की देखरेख में अहमदाबाद का मशहूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार हुआ और फिर वह साल 2015 में BCCI से जुड़े। यहाँ उनको फिनांस और मार्केटिंग कमेटी का सदस्य चुना गया। इसके बाद जय शाह ने साल 2019 में GCA के जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। अब वह BCCI के सेक्रेटरी बन चुके थे और सौरव गांगुली की अध्यक्षता में BCCI से जुड़ी नई कमेटी के सबसे युवा सदस्य थे। इस कमेटी में गांगुली और शाह के अलावा भाजपा नेता और मौजूदा केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल को ट्रेजरार, माहिम मोर्मा को वाइस प्रेसिडेंट और जयेश जॉर्ज को जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया। और जैसा कि ऑलमोस्ट तय था, इस टीम को देखते ही लोगों ने एक व्यक्ति को निशाने पर ले लिया। वो व्यक्ति थे जय शाह। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जय शाह पर तमाम सवाल उठते हैं। लोग अक्सर उनकी योग्यता को संदेह के घेरे में लाते हैं, सवालों के घेरे में लाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का फ़ायदा मिला। हो सकता है कि ये सच भी हो। हाँ, सच होगा ही, क्योंकि भारत देश में पारिवारिक पृष्ठभूमि काफ़ी महत्व रखती है। लेकिन इसमें नया क्या है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड शुरुआत से ही एक प्राइवेट बॉडी रही है। हालांकि इस बात पर भी खूब विवाद हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये एक प्राइवेट बॉडी है तो इससे जुड़ी क्रिकेट टीम को भारतीय क्रिकेट टीम क्यों कहा जाता है? अब ये टेक्निकल चक्कर क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि BCCI ना तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स फेडरेशंस में आती है, ना ही इसे सरकार से किसी प्रकार की सहायता मिलती है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की लिस्ट देखेंगे तो साल 2020-21 के लिए यहाँ क्रिकेट के नाम पर सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन मिलेगी। यानी ये चीज़ साफ है कि BCCI एक प्राइवेट संस्था है और इस प्राइवेट संस्था को लगभग इसकी शुरुआत से ही तमाम राजनेता मिलकर चला रहे हैं और तमाम सारे ऐसे अध्यक्ष और ऑफिस बेयर हुए हैं जिन पर तानाशाही तक के आरोप लगे हैं। इन नेताओं में कई बड़े नाम हैं तो कई ऐसे भी जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता, लेकिन दुनिया भर की नफरत मिलती है जय शाह को। वैसे इस नफरत के चलते जय शाह के काम की तारीफ करने से लोग डरते भी हैं। यहाँ तक कि अगर जय शाह कहीं टेक्निकली सही भी हों तब भी आप उनकी ओर से नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा करते ही आप पर ठप्पा लग जाता है। वही वाला जो दूसरे गोले के आदमी को खोजे नहीं मिला था फिल्म PK में। लेकिन इन ठप्पों से दूर भी एक दुनिया है जो बताती है कि एक अच्छा क्रिकेट प्रशासक यानी एडमिन होने के लिए आपका पूर्व क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। आप बाहर से आकर भी इस खेल को चला सकते हैं और लोग चला ही रहे हैं। दुनिया भर में कई बोर्ड्स हैं जो तथाकथित बाहरी और प्रभावशाली लोगों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन तो ऐसी हैं जहां इन नेताओं या इनके सगे संबंधियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया, टैक्सपेयर्स के पैसे पर खूब ऐश की, सरकार से मिली ग्रांट का खूब फायदा उठाया, कोर्ट ने गद्दी से हटाया तो खेल के भविष्य को ही संकट में डाल दिया। लेकिन इन लोगों पर बात नहीं होती क्योंकि इनका नाम जय शाह नहीं है, जबकि अपने अब तक के क्रिकेट एडमिन भविष्य में इंडियन क्रिकेट को तमाम ऊंचाइयां दिखा चुके जय शाह हर रोज़ ट्रोल होते हैं। वैसे रिकॉर्ड के लिए बताएं तो जय शाह ने भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ली हुई है। उन्होंने अहमदाबाद में जयेंद्र सहगल के अंडर क्रिकेटर बनने की कोशिश की थी और जब वो क्रिकेटर नहीं बन पाए तो उन्होंने क्रिकेट प्रशासक बनना चुना और वो ये काम अच्छे से कर रहे हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जय शाह को हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए ये एपिसोड शूट किया था जतिन ने। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है। लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।